एमएस पावरपॉइंट के फाइल मेन्यू को समझने से पहले हम एमएस पावरपॉइंट को ओपन करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट बटन पे जाएंगे। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद हम यहाँ पे पावरपॉइंट पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे ये पावरपॉइंट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यह हमारा इंटरफेस खुल जाएगा पावरपॉइंट का। यहाँ पे बहुत से टेम्पलेट दिए गए होंगे, जो भी टेम्पलेट अगर हमें चाहिए वो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसका पावर पॉइंट का इंटरफेस खुल जाएगा। अब हम इस वीडियो में एमएस ऑफिस के अंतर्गत आने वाले पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। जिस प्रकार एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एमएस ऑफिस का भाग है, उसी तरह एमएस पावर पॉइंट भी एमएस ऑफिस का एक भाग है। इसके द्वारा हम प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट पर कार्य करते हैं। इसके द्वारा हम किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। पावर पॉइंट में हम किसी भी प्रकार की ग्राफिक्स, किसी भी प्रकार की एनिमेशन, बैकग्राउंड सॉन्ग और वीडियो अपनी प्रेजेंटेशन में जोड़ सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन को काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आज हर कंपनी अपने प्रोजेक्ट को अपने कर्मचारियों के सामने अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रही है। एमएस वर्ड में जो डॉक्यूमेंट होता है वो पेजेस से बना होता है। एमएस एक्सेल में जो वर्कबुक होती है वो वर्कशीट से बनी होती है। और एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन जो है वो स्लाइड से बनी होती है। तो अब हम यहाँ पे फाइल मेन्यू में जाएंगे और इसके जितने भी ऑप्शन हैं इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक टू ऐड टाइटल, यहाँ पे कोई टाइटल लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे कोई टाइटल लिखा, जैसे कंप्यूटर, यह हमारा टाइटल है। इसके नीचे फिर हम नीचे सब टाइटल लिखेंगे, जैसे इनपुट डिवाइसेस। इसके नीचे जैसे ये आ गया यहाँ पे कीबोर्ड, इसके नीचे आ गया स्कैनर, ये हमने यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस ये यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे इसको एडिट करते हैं। जैसे इसका साइज़ यहाँ पे हमने बढ़ाया, ये 40 किया। 40 करने के बाद यहाँ पे इसको कलर में किया। कलर में करने के बाद इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे बुलेट यूज़ किए, जैसे ये बुलेट है ये यूज़ किए यहाँ पे। यहाँ पे करने के बाद हम फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। ये देखो यहाँ पे ऑप्शन है सेव, ये हमने यहाँ पे सेव करना है। कहाँ पे करना है, ब्राउज करो यहाँ पे, कहाँ पे करना है, जैसे सपोज करो हमने यह इसको डॉक्यूमेंट पे सेव करना है। किस नाम से सेव करना है, जैसे सपोज करो हमने इसको कंप्यूटर नाम से सेव करना है। यहाँ पे कंप्यूटर लिखा, सेव पे क्लिक किया, तो ये देखो कंप्यूटर, ये फाइल नेम यहाँ पे आ जाएगा कंप्यूटर। ये कंप्यूटर नाम की फाइल यह है जो हमारी स्लाइड है, यहाँ पे बन के तैयार होगी। ये कंप्यूटर नाम की स्लाइड यहाँ पे बन के आ जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पे फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद ये इन्फो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये हमारी जो है प्रॉपर्टी, जो हमारी स्लाइड की ये प्रॉपर्टी है, ये यहाँ पे स्लाइड की प्रॉपर्टी पूरी ओपन हो जाएगी। ये देखो जैसे प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन, अगर प्रोटेक्ट करनी है तो यहाँ पे क्लिक करना है। इंस्पेक्ट प्रेजेंटेशन, मैनेज प्रेजेंटेशन, यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको। इसके बाद इस स्लाइड की प्रॉपर्टी आ गई कि इस स्लाइड का जो साइज़ है वो साइज़ है, ये देखो साइज लिखा हुआ है 33.7 KB। वो स्लाइड कितनी बनी हुई है हमारे पास, ये एक स्लाइड बनी हुई है। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अगर इस स्लाइड को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन यहाँ पे क्लिक करेंगे और इनक्रिप्ट विद पासवर्ड यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब इसको स्लाइड को हमने
पासवर्ड लगा रहा है, जैसे यहाँ पे पासवर्ड लिखा 123, ये ओके किया, फिर री एंटर किया इसको 123 ओके किया। तो ये करने के बाद अब क्या है, ये कंप्यूटर नाम की स्लाइड यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट कर दिया। अब क्या करेंगे हम, ये बैक जाएंगे, इसको यहाँ से बंद करेंगे और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जब हम ये कंप्यूटर नेम की ये जो हमारी स्लाइड बनी हुई है इसको यहाँ पे ओपन करेंगे, ये देखो कंप्यूटर, तो यहाँ पे ये पासवर्ड मांगेगा। तो जब हम पासवर्ड यहाँ पे भरेंगे ये हमारी स्लाइड ओपन हो जाएगी। जैसे ये देखो पासवर्ड यहाँ पे इंटर किया 123 और यहाँ पे ओके पे क्लिक किया, तो ओके पे क्लिक करने के बाद ये स्लाइड यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अगर इसी को पासवर्ड हमने लगाया हुआ है, इसी को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन यहाँ पे जाएंगे, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड यहाँ पे जाएंगे, और ये जो हमारा पासवर्ड लगा हुआ है यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद डिलीट पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। तो ओके पे क्लिक करने के बाद ये पासवर्ड यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे हम इसको, ये देखो ये बंद किया, बंद करने सेव किया। सेव करने के बाद जब हम दोबारा इस स्लाइड को ओपन करेंगे तो ये पासवर्ड नहीं मांगेगी, ये देखो अब ये पासवर्ड नहीं पूछ रहा है। तो इस प्रकार हम ये पासवर्ड हटा सकते हैं। इसके बाद फाइल मेन्यू में अगला न्यू है। न्यू मीन्स ये देखो न्यू पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया ब्लैंक प्रेजेंटेशन, तो नई स्लाइड यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसके बाद आगे फाइल मेन्यू में ओपन है, कोई भी फाइल कोई भी स्लाइड अगर हमने ओपन करनी है तो हम यहाँ पे ओपन पे जाएंगे। ओपन पे जाने के बाद ये देखो कंप्यूटर स्लाइड ओपन करनी है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये स्लाइड ओपन हो जाएगी। तो इस प्रकार हम ये स्लाइड को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला है सेव एस। तो पहले ये जानते हैं कि सेव एस होता क्या है। ये तो सेव एस पे हम तब क्लिक करते हैं जब हमें पुरानी स्लाइड को एडिट करके किसी नए नाम से सेव करते हैं, तब हम सेव एस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो ये देखो जैसे ये हमारी जो स्लाइड है यहाँ पे दी गई है, ये स्लाइड अब क्या करेंगे हम, इसको हम चाहते हैं कि ये कंप्यूटर नाम की ये भी रहे स्लाइड, और इसी स्लाइड में हम एडिट करके वो स्लाइड भी रहे। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ जैसे एडिट करते हैं यहाँ पे, इसका कलर ये चेंज करते हैं, ये कलर चेंज किया, इसका साइज भी यहाँ पे हम इसको इंक्रीज करते हैं, ये 48 रखा ये, और यहाँ पे ये जो हमारे बुलेट है इनको भी चेंज करते हैं, यहाँ पे ये चेंज कर दिए। अब यहाँ पे इसको, ये स्लाइड को हमने क्या किया, एडिट कर लिया। एडिट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको किसी अन्य नाम से सेव करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल मेन्यू पे जाना पड़ेगा, सेव एज पे जाना पड़ेगा। सेव एज पे अब हम इसको किसी दूसरे नाम से सेव करेंगे, जैसे कंप्यूटर कंप्यूटर, और यहाँ पे टू कर दिया। टू करने के बाद ये कंप्यूटर टू नाम से ये फाइल सेव हो जाएगी। तो ये देखो ये फाइल यहाँ पे सेव होगी। अब क्या है, कंप्यूटर नाम की फाइल भी हमारे पास पड़ी हुई है और कंप्यूटर टू नाम की फाइल भी यहाँ पे पड़ी हुई है। तो ये सेव एज होता है। इसके बाद ये देखो कंप्यूटर टू नाम की ये फाइल बन गई। अगर हम कंप्यूटर नाम की फाइल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो ये फाइल भी यहाँ पे पड़ी हुई है, और सेव एज करके ये कंप्यूटर टू नाम की फाइल भी यहाँ पे बन के आ गई। इसके बाद आ गया हमारे पास ये प्रिंट। तो प्रिंट पे जाएंगे, प्रिंट पे जाने के बाद यहाँ पे प्रिंट कमांड ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये जो स्लाइड है उसका प्रिंट निकल जाएगा। यहाँ पे हम नंबर ऑफ कॉपीज भरते हैं, अगर हमें 4 कॉपीज चाहिए तो ये यहाँ पे हम 4 करेंगे और प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो स्लाइड की 4 कॉपीज निकल जाएंगी। यहाँ पे प्रिंटर का
नेम मांगता है कि क्या प्रिंटर, कौन सा प्रिंटर लगा हुआ है। तो ये सारी यहाँ पे हम सेटिंग करेंगे, तो सेटिंग करके हम अपनी स्लाइड का प्रिंटर ले सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है शेयर, यहाँ पे हम शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। शेयर पे क्लिक करने के बाद हम ये शेयर कर सकते हैं, जैसे ये देखो शेयर विद पीपल, ईमेल से कर सकते हैं, प्रेजेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, या सेव टू क्लाउड इसको शेयर कर सकते हैं हम। तो अगला, इससे अगला है एक्सपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट करना है तो क्रिएट पीडीएफ फाइल यहाँ पे बना के हम ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये क्रिएट ए वीडियो, इसकी वीडियो बना सकते हैं स्लाइड की। पैकेज प्रेजेंटेशन फॉर सीडी, ये कर सकते हैं इसमें। हैंड आउट ये बना सकते हैं। ये चेंज फाइल टाइप ये कर सकते हैं। क्रिएट पीडीएफ यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ से एक्सपोर्ट कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं यहाँ से। इसके बाद क्लोज, अगर हमने इसको क्लोज करना है तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं क्लोज। इसके बाद अकाउंट, अगर अकाउंट चेक करना है तो यहाँ से हम अकाउंट भी चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे सारे ऑप्शन यहाँ पे, जितने भी हमारे फाइल मेन्यू के हैं, ये फीडबैक का है, ये ऑप्शन का है, जैसे हम यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये ऑप्शन खुल जाएंगे। ये जो हमने ऑप्शन यहाँ पे सेट किए हुए हैं वो ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएंगे। अगर इनको हटाना है तो हम इसको हटा भी सकते हैं और ओके कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल करते हैं ये। तो इस प्रकार ये फाइल मेन्यू के ऑप्शन है। तो इस वीडियो में हमने फाइल मेन्यू के बारे में जाना। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।